नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यह डीडी फीड्स का फ्री वाला रिसीवर है, एमपेक टू रिसीवर। और दोस्तों इसमें एक समस्या है दोस्तों, यह देख सकते हैं डिस्प्ले दोस्तों, यह सब कुछ ऑन होता है, लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ समय चलने के बाद बंद हो जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का फॉल्ट कभी आता है तो यह कैपेसिटर जो 6.3 वोल्ट वाला, 10 वोल्ट वाला दोस्तों ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों मैंने इस पर जो है एक कॉइल भी लगाया हुआ है, एक डायोड निकालकर, ताकि दोस्तों हमारे मदरबोर्ड को 3.3 वोल्ट बराबर मिले। तो लेकिन दोस्तों इसमें फिर भी समस्या है। और इसमें दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही हम LNB का वायर जो है तो कनेक्ट करते हैं इस मदरबोर्ड से पीछे सॉकेट में, तो दोस्तों कुछ समय चलने के बाद यह हमारा सेटअप बॉक्स जो है टोटल बंद हो जाता है। और इसके बाद फिर से दोस्तों चालू हो जाता है, कुछ समय बाद जो है फिर से चालू हो जाता है। तो दोस्तों इसमें समस्या क्या हो सकता है, उसी बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इसका मैं वोल्टेज चेक करके भी आपको दिखा देता हूं कि इसके मदरबोर्ड को कितना वोल्टेज मिल रहा है। जैसे दोस्तों इसके मदरबोर्ड को प्रॉपर वर्क करने के लिए 3 वोल्ट के लगभग दोस्तों मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट के लगभग इस मदरबोर्ड को पावर सप्लाई से मिल रहा है। फिर भी इसमें एक समस्या बना हुआ है कि कुछ देर चलने के बाद जो है हमारा यह पूरा जो सेट है डेड हो जाता है। और इसके बाद कुछ समय बाद, 1 मिनट 2 मिनट बाद जो है तो फिर से चालू हो जाता है, मतलब कि चालू होता है फिर बंद हो जाता है। तो इसमें दोस्तों समस्या क्या हो सकता है, जबकि वोल्टेज मैंने चेक किया दोस्तों, तो वोल्टेज इसका प्रॉपर जो आ रहा है, लेकिन LNB का वायर लगाते ही यह जो हमारा रिसीवर है 1 मिनट चलने के बाद 2 मिनट चलने के बाद टोटल जो है इसका पावर डेड हो जाता है। तो दोस्तों इसमें समस्या है, यह जो देख सकते हैं 12 वोल्ट सप्लाई इस डायोड से आउट होता है ऑडियो किट के लिए। और दोस्तों हर सेटअप बॉक्स में एक छोटा सा ऑडियो किट लगा होता है, देख सकते हैं इसका नंबर होता है 6283। तो दोस्तों इस 6283 IC पर, ऑडियो किट पर एक 12 वोल्ट सप्लाई जाता है पावर सप्लाई से। और इसका दोस्तों आज मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि इस सेटअप बॉक्स में जो है तो फॉल्ट हमारा इसी ऑडियो किट को जाने वाली सप्लाई के कारण है। तो दोस्तों हमें इस पर सप्लाई जो है करीब 12 वोल्ट के लगभग मिलना चाहिए। और दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें लगभग 4 से 5 वोल्ट के बीच में हमें सप्लाई मिल रहा है, जबकि हमें यहाँ 12 वोल्ट के बीच सप्लाई मिलना चाहिए। मतलब कि यह सप्लाई दोस्तों ड्राफ्ट होने के कारण ही हमारा जो सेटअप बॉक्स है तो कुछ टाइम चलने के बाद और बंद हो जाता है। दोस्तों यह जो IC लगा हुआ है ऑडियो किट पर 6283, तो जो सप्लाई गया हुआ है दोस्तों, तो मैं इसका सप्लाई जो है तो ओपन कर देता हूँ पावर सप्लाई से। और अब हम देखते हैं इसका सप्लाई जो है तो 12 वोल्ट लगभग दोस्तों मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 11-12 वोल्ट के लगभग सप्लाई आना शुरू हो चुका है, मतलब कि जो 6283 IC है दोस्तों ऑडियो किट के लिए, वह IC जो है तो शॉर्ट है, मतलब दोस्तों शॉर्टिंग कर रहा है, पूर्ण रूप से शॉर्ट नहीं है, क्योंकि चलते चलते दोस्तों पूरी तरह जो है शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो पावर सप्लाई का और भी अलग अलग दोस्तों जो वोल्टेज हैं तो वह दोस्तों टोटल ड्राप हो जाता है। तो इसे दोस्तों हमको क्या करना होगा कि इस सप्लाई को, 12 वोल्ट वाले सप्लाई को जो कि ऑडियो किट पर गया हुआ है, उसे दोस्तों हमें ओपन कर देना है। और या फिर दोस्तों हमें यह जो ऑडियो किट है तो उसका जो IC है दोस्तों IC चेंज कर देना है। इससे दोस्तों समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था।